हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल गुजरात में। आज आपको ले चलते हैं सरखेज रोजा, जो अहमदाबाद हेरिटेज सिटी के सरखेज गांव में स्थित है। तो शुरू करते हैं हमारा सफर और आपको ले चलते हैं इनक्रेडिबल गुजरात की एक नई जगह दिखाने। सरखेज रोज़ा, जो संत हजरत शेख अहमद खट्टू गंज बक्स के मकबरे के साथ साथ ऐतिहासिक इमारतों के भव्य संकुल के लिए भी प्रसिद्ध है। अडालत स्टेपवेल की तरह सरखेज रोज़ा की इमारत में भी इंडो इस्लामिक स्टाइल की आर्किटेक्चर है, यानी कि इसमें आप मुस्लिम, हिंदू और जैन स्थापत्य कला का समन्वय देख सकते हैं। सरखेज रोज़ा के संकुल में सारी इमारतों का काम अलग अलग सुल्तान के शासनकाल में हुआ है। बात करते हैं सरखेज रोज़ा के इतिहास की। गुजरात के सुल्तान अहमद शाह ने ईस्वी सन 1411 में अहमदाबाद यानी अहमदाबाद शहर की स्थापना के समय सरखेज के संत हजरत शेख अहमद खट्टू गंज बख्श के आशीर्वाद लिए। संत शेख अहमद खट्टू गंज बख्श के नाम से प्रसिद्ध थे, जिसका अर्थ होता है संपत्ति प्रदान करने वाले, जो सरखेज गांव में आके बसे। वे उस समय के पूजनीय सूफी संत थे। जब संत हजरत शेख का ईस्वी सन 1445 में इंतकाल हुआ, तब सुल्तान अहमद शाह के पुत्र सुल्तान मोहम्मद शाह ने ईस्वी सन 1446-47 में उनकी कब्र पर भव्य मकबरा बनवाने की शुरुआत की और एक मस्जिद बनवाने का आदेश दिया। ये दोनों स्मारकों का काम मोहम्मद शाह के अनुगामी सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद शाह ने ईस्वी सन 1451 में यानी 1951 में पूरा करवाया। संत हजरत शेख अहमद खट्टू गंज बख्श का मकबरा गुजरात के सूफी संतों के मकबरे से सबसे बड़ा मकबरा है। सुल्तान मोहम्मद शाह के बाद अहमदाबाद के शासक सुल्तान कुतुबुद्दीन ने मकबरे की पश्चिम दिशा में आलीशान मस्जिद बनवाई। मस्जिद की दक्षिण की ओर 17 एकड़ का गोलाकार तालाब है, जिसकी चारों ओर नीचे उतरने के लिए पत्थर की सीढ़ियां हैं।
सुल्तान महमूद बेगड़ा ने तालाब में पानी के लिए पत्थर के सुंदर मैनहॉल बनवाए थे। तालाब के किनारे ही राजा रानी के महल है, जो किंग्स एंड क्वींस पैलेसेस के नाम से जाने जाते हैं। सुल्तान कुतुबुद्दीन के बाद के शासक महमूद बेगड़ा ने दक्षिण की ओर अपना और अपनी बेगम का मकबरा बनवाया और उसके पास बड़ा सा तालाब और आसपास भव्य महल बनवाए। इस साल बारिश कम होने की वजह से तालाब पूरी तरह से सूख गया है। सरखेज रोजा के संकुल में एक म्यूजियम और एक लाइब्रेरी है, जहां पे आप सरखेज रोजा के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। सरखेज रोजा के संकुल में प्रवेश करते ही बाईं ओर महमूद बेगड़ा की दरगाह है। इस दरगाह की दीवारों को इतनी बारीकी से तराशा गया है, जो इस दीवारों की खूबसूरती को बढ़ाता है। Thank you.
ये सामने जो इमारत दिख रही है वो है राजा रानी का महल। आइए तो चलते हैं राजा रानी के महल की ओर। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक नई जगह के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आओ जो बाय बाय।